निफ्टी बैंक के लेवल्स डिस्कस करते हैं। अगर आपको कॉल साइड एंट्री लेना है तो 44150 ब्रेक होने का वेट करना है। 44150 अगर ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट है वो रहेगा 44212, 44250। देन 44350, 44430। ये टारगेट्स आपको पॉसिबल है फॉर कॉल साइड। 44430 एंड 44550 में रेजिस्टेंस है वन डे में और वीकली में, तो फॉर कॉल साइड आपको ये टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अगर आपको पुट साइड एंट्री लेना है तो आपको 44000 ब्रेक होने का वेट करना है। 44000 अगर ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 43900, 43840, 43830। वहाँ पर वीकली में सपोर्ट है, वह अगर ब्रेक होता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा डे लो 43776। डे लो अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 43640, 43630। फाइव फाइव जीरो के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। डीलो अगर ब्रेक होता है तो पैनिक सेलिंग भी देखने मिल सकती है। तो हमारे लिए नो ट्रेड जोन जो रहेगा 44150 टू 44000। इसमें आप और एक अपडेट कर सकते हो, नो ट्रेड जोन जो है उसके पास अगर मार्केट जाके रिट्रेस होता है या वहाँ से मार्केट अप या डाउन होता है तो वहाँ पर भी आप एंट्री एग्जिट का प्लान बना सकते हो। जैसे आप चार्ट देखोगे वैसे वो बात समझ में आएगी। मैं भी वो बता के इतना कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो नो ट्रेड जोन में आप ये देख सकते हो कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो रहा है या फिर कहाँ से अपसाइड जा रहा है, वही हिसाब से भी आप ट्रेड बना सकते हो। अदरवाइज जो लेवल्स डिस्कस किए वही हिसाब से आप ट्रेड में एंट्री एग्जिट ले सकते हो। तो एज पर रिस्क कैपेसिटी ट्रेड लेना, एग्रेसिव एंट्री बिल्कुल मत लेना। वीकली का अगर हम चार्ट देखें तो वीकली के चार्ट, वीकली में बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, मंथली में भी 44000 नियर अबाउट सपोर्ट है और वीकली में 44840 के नियर अबाउट सपोर्ट है।